हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस स्टोरी को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था और उसके लिए उसको अच्छे पैसे मिलते थे। फिर उसके घर एक बेटा पैदा हुआ और बेटा भी शुरुआत से ही मूर्तियां बनाने लगा और धीरे धीरे अच्छी मूर्तियां बनाने लग गया। बाप अपनी बेटी की तरक्की देख के बहुत खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता था और उसे कहता, तुम्हारी मूर्ति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम इस चीज को ठीक कर लो तो तुम्हारी मूर्ति और भी अच्छी हो जाएगी। बेटा भी उस बात को मानता और उस चीज को सुधार लेता। इसी तरीके से धीरे 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 सुधारने से उसके बेटे की मूर्तियां बहुत अच्छी बनने लग गई। और अब ऐसा वक्त आ गया जब बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्तियों से भी ज्यादा अच्छी बनने लग गई और उसको अच्छे दाम भी मिलने लग गए और वो ज्यादा फेमस हो गया। बहुत से लोग उसकी तारीफ करने लग गए, लेकिन अभी भी बाप उसकी मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी निकाल ही देता था और कहता था कि इस चीज को ठीक कर लो तुम्हारी मूर्ति और अच्छी हो जाएंगी। अब बेटे को उसकी बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता था और उन चीजों को सुधार लेता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि बेटे का सब्र का बांध टूट गया। उसके बाप ने जब उसको ये बोला कि तुम्हारी मूर्तियों में ये कमी है, तो वो गुस्सा हो गया। उसने बोला, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको उन मूर्तियों की इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां मुझसे कम दामों पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सजेशंस की जरूरत है। मेरी मूर्तियों को लोग आपकी मूर्तियों से ज्यादा पसंद करते हैं और मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट है। बेटे की यह बात सुन के बाप ने उसको सजेस्ट करना बंद कर दिया। कुछ महीने तो बेटा बहुत खुश रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अब उसकी मूर्तियों की कोई तारीफ नहीं करता है। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने भी रुक गए थे। उसको पहले तो समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब बहुत टाइम तक उसको समझ में नहीं आया तो अपने बाप के पास गया। उसने सारी कहानी बताई और अपने बाप से पूछा कि पिताजी ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाप ने सारी बातें बहुत धैर्य से सुनी और मुस्कुराने लगा। बेटे ने बाप को मुस्कुराते हुए देखा और बाप से पूछा, क्या पिताजी आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? उसके पिता ने कहा हाँ। तो बेटे ने पूछा कैसे? उसने बोला, बहुत साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मैं इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। तो उसने पूछा, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? तो उसके बाप ने बोला, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे कि क्या हो रहा है और मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां क्यों निकाल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियां नहीं बनाता हूँ, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सलाह सही नहीं हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाहों की वजह से तुम्हारी मूर्ति अच्छी हुई हो। लेकिन जब भी मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था, तुम अपनी मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और उसको दोबारा से ठीक करने की कोशिश करते थे, और उसी ठीक करने की कोशिशों की वजह से तुम आज इतने बेहतर बन पाए हो। और जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हारी मूर्तियां परफेक्ट है, इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक गई और वही तुम्हारी कमी है जिसकी वजह से तुम्हारी मूर्तियों की अब कोई तारीफ नहीं करता या तुम्हारी मूर्तियों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। बेटा थोड़ी देर तो चुप रहा, लेकिन उसके बाद बाप से पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बाप ने जवाब दिया एक लाइन में कि अपने काम से सेटिस्फाइड होना छोड़ दो, अपने काम से हमेशा अनसेटिस्फाइड रहो। इस वजह से तुम्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और उसी एक वजह से तुम हमेशा इम्प्रूव करते रहोगे अपने आप को, और इम्प्रूव जब तक करते रहोगे तभी तक तुम आगे बढ़ते रहोगे। एक बात समझ लो कि सबके काम में हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती ही है, और यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर करती रहेगी और तुम्हें बेहतर बनाती रहेगी। और फिर बेटे ने यही चीज फॉलो किया, हमेशा से अपने बाप की वापस बात सुनने लग गया और हमेशा अपने काम में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने लग गया, और धीरे धीरे फिर से उसकी मूर्तियों की तारीफ होने लग गई और उसकी मूर्तियां अच्छे दामों पर बिकने लग गई। तो दोस्तों, हमें स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, और जब एक बार जॉब लग जाती है तो हम वहां जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद हम कुछ इंप्रूव ही नहीं करते हैं उसके अंदर, हम लोग कुछ ऐड नहीं करते हैं, हम लोग कुछ नया नहीं सीखते हैं, हम लोग कुछ नया इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। इस वजह से हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हम इंप्रूव करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती ही है। तो अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।